हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ क्लेरिफिकेशन करेंगे वीडियोस में। अभी तक जो भी आपकी कैप्सूल वीडियोस में क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट्स हैं, और जो भी आपने पूछे हैं किनके आंसर्स बता दीजिए। तो आज एक फाइनल वीडियो में सभी के आंसर्स, क्योंकि अभी तक आपकी कैप्सूल 15 तक वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस में डाउट है उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मिड डे मील वाले जो हमारा कब आया था उससे रिलेटेड काफ़ी डाउट चल रहे थे। तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे mdm.nic.in तो आप मिड डे मील की एक्चुअल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां में अबाउट में वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आपका 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। क्या मोटिव था इसका? एनरिच एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड स्टिमुलेटरी इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल लेवल्स। तो ये इसके सारी चीज़ें जो आप अगर पढ़ना चाहते हैं आगे भी, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए, कितना प्रोटीन देना है, किस क्लास के बच्चों तक का है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं प्रज्ञा मैम का। प्रज्ञा मैम ने पूछा है क्वेश्चन, मैम 87 बता दीजिए और 88 का लाइपोटिक एंजाइम है। मैम आपने 88 का करेक्ट आंसर दिया है। 87 क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है भी, पारिवारिक जीवन को सरल और उत्तम बनाना गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें कला और विज्ञान के सिद्धांतों को मिलाना, कोई इंटेंशनली नहीं मिलाते हैं, बट अनइंटेंशनली जब हम घर की चीज़ों को कर रहे होते हैं तो साइंटिफिक चीज़ें और आपकी जो आर्ट होती है वो ऑटोमेटिकली आपकी उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनीता शर्मा जी बोल रही हैं 110 क्वेश्चन में जो आपका कैप्सूल 15 वीडियो में है, बिकॉज इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इन्होंने करेक्ट बोला है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 110 है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या बोल रहा है 110 क्वेश्चन। स्तनधारियों में टाइडल वायु होती है। टाइडल वायु क्या होती है? वो वायु जो एक सामान्य सांस में फेफड़ों के अंदर और बाहर जाती है। 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर एक एवरेज पर्सन जो है उसको इनहेल करता है, दैट इज आपकी टाइडल वायु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो बी, जिसमें आपकी हवा की जो एक सामान्य मात्रा जो सांस लेने में फेफड़ों के अंदर जाती है और बाहर निकलती है वो आपकी टाइडल होती है। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं स्नेहलता सिंह जी के क्वेश्चन पर। 109 क्वेश्चन नंबर है। आई थिंक आंसर इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी, दैट इज करेक्ट। मैंने गलत आंसर आपको यहाँ बताया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया है। मैंने जो पीछे आपकी आंसर की दे रखी है वो फॉलो कर ली, तो उसके कारण आंसर गलत हुआ है। तो स्तनधारियों में लाल रुधिराणुओं में वायवी श्वसन नहीं होता है क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा भारती जी का। क्वेश्चन 91 का आंसर नहीं मालूम है, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 पर आपका जाते हैं, इसमें है मनुष्य का पित्त, मनुष्य के पित्त के बारे में पूछा गया है। तो आपका जो पित्त है, पित्त रस है, वो आपका लिवर से रिलीज होता है, यकृत से रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये डाइजेशन का काम करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका बोला है इन्होंने कि पित्ताशय द्वारा निर्मित होता है। निर्मित तो आपका लिवर के द्वारा होता है, पित्ताशय के द्वारा नहीं होता है, लेकिन आपके ए और सी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पर एक भी आंसर इसका करेक्ट नहीं होगा, 91 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा मैम बोल रहे हैं अगेन कि 88 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे क्या पूछा गया है, लेट मी चेक। हाँ, वसा का पाचन वाला एंजाइम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लाइपोटिक एंजाइम होगा, लाइपेज भी होता है, लाइपोटिक एंजाइम भी। ठीक है, शोभना जी बोली मैम 91 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। तो 91 क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस कर लिया, आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है शोभना मैम, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 88 में लाइपेज होता है, बट इसमें लाइपोटिक होगा क्या? हाँ जी मैम, लाइपोटिक होगा इसमें। आगे मोनू शर्मा जी बोले मैम डार्ट क्या होती है, प्लीज बताइए। देखिए, डार्ट जो है वो आपके किसी भी फैब्रिक का, आप जैसे कि ब्लाउज बनवाते हैं, चोली बनवाते हैं, या फिर पहले जो सूट होते थे पुराने हीरोइंस के, आप देखेंगे बिल्कुल फिटेड होते थे, तो उनमें जो आपकी चुन्नट कह सकते हैं हम आम भाषा में, जो टेलर्स हमारी यूज करते हैं, चुन्नट डालते हैं, जिसके कारण जो फिटिंग प्रॉपर आती है वो आपकी डार्ट होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है एक्सपीरियंस मैटर्स में। मैम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार चेक कर लेती हूँ क्या है, तो उसका आंसर बताते हैं।
पित्तरस का पाचन पाचक पाचक एंजाइम क्या है? तो पित्तरस आपका लाइपेज है और ये फैट को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विभा तिवारी जी, 91 का आंसर बता दीजिए मैम। 91 क्वेश्चन नंबर का अभी आपको आंसर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए, 7 का भी अभी अभी आपको बता दिया। चलिए फिर है शोभना मैम जी, पूछ रहे गंधक का झरना देहरादून में। जी हाँ, गंधक का झरना देहरादून में मसूरी में नहीं है, मैंने अभी चेक किया है। देहरादून से 30 किलोमीटर जो धुत्तू है, धुत्तू नाम का एक गांव है, वहां पर गंधक का झरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम 62 का देहरादून है। हाँ जी निधि जी, देहरादून है उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं रेशमा मैम जी। मैम 70 का कैलोरीज होगा, 70 वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन है सारे गलत दे रखे हैं, तो उसका आंसर सही आपका कैलोरीज होगा, किलो कैलोरीज जो हम यूज करते हैं। 101 का मैम ए नहीं हो सकता क्या? क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 101। हाँ, पित्तरस बनता है, देखिए अभी मैंने बताया जो पित्तरस है वो आपका लिवर के द्वारा बनता है लेकिन पित्ताशय में एकत्रित होता है, तो उसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है हेमलता जी, आगे बढ़ते हैं। 70 का आंसर ही ऑप्शन में नहीं दिया है, एनर्जी तो कैलोरीज में लिया जाता है। सैफी जी मैम आपने करेक्ट कहा है। उसके बाद अंशु रानी ने पूछा है कि आपका जो आरडी है उसमें आपकी एनर्जी नहीं दी हुई है लेकिन ईएआर में दी हुई है, तो उसमें लेकिन आप किसी पर्टिकुलर आपके कोचिंग सेंटर ने बताया है उनको कि उसमें आप 1.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगी वो एनर्जी होगी। ईआर में जो आपकी दे रखी है एनर्जी वो एग्जैक्टली सेम है, वही आपकी फॉलो होगी, उसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। ईआर से एनर्जी याद कर लीजिए और आरडीए आपका आरडीए से याद करना है। ठीक है, आरडीए में आपकी एनर्जी नहीं दे रखी है अंशु रानी जी। आगे बढ़ते हैं। फन आराध्या मैम बोल रही हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा खनिज लवण, या फिर क्वेश्चन नंबर 17 एक बार मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में सैलिड वाली बात कही है, तो सैलिड में विटामिन और मिनरल्स दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलते हैं। डिपेंड्स कि वो आप सैलिड कौन सा ले रहे हो, आप पालक वगैरह ले रहे हो या खीरा ले रहे हो, कौन सा सैलिड ले रहे हो, क्योंकि आपके बहुत तरीके के सैलिड्स बनते हैं, तो आपका विटामिन और मिनरल्स दोनों ही उसमें इंक्लूड होंगे। मैम 38 वाला क्लियर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर कैप्सूल 13 वीडियो और क्वेश्चन नंबर है 38। तो 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह के बच्चों में देखिए कृंतक निकलते हैं, बट कृंतक में भी जो आपके सेंट्रल लोअर वाले होते हैं यानी कि केंद्रीय और नीचे वाले जो आपके कृंतक होते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो मैंने आपको ए बता दिया है गलती से। स्टडी ऑफ पूछ रहे हैं वर्षा का जल शुद्ध होता है, वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध होता है क्योंकि वो आसुत जल होता है, वैपोरेशन के थ्रू ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन हमारे पास आते आते उसमें बहुत सारे अम्ल मिल जाते हैं, खासकर जिन जगहों पर कारखाना और फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर अम्ल की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है और वो गंदा हो जाता है। वर्षा का जल वैसे शुद्ध होता है लेकिन नीचे ज़मीन पर आते आते वो अशुद्ध हो जाता है। मैम पूछ रही है, मैम बुक में 16 का पालक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कैप्सूल 13 वीडियो से, क्वेश्चन नंबर 16 विटामिन ए की मात्रा अधिक किसमें होती है? पालक, कद्दू, मूली। देखिए या तो आप इसको बिल्कुल पर्टिकुलरली जाकर इनके न्यूट्रिएंट्स में देखिए, कद्दू की में आपकी ज़्यादा देखी जाती है, पालक में एज कम्पेयर कम होती है। बाकी आप बाकी जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अंजुम मैम। मैं अब मेहनाज अंजुम जी पूछ रही है, मैं मोस्टली प्रैक्टिस सेट्स में गिफ्ट चेक 11 अमाउंट दिया हुआ है लेकिन 10th की बुक में 21 रुपये दिया हुआ है। देखिए जो आपके SC ST की जो बुक है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट के थ्रू जो रन की जाती है उनमें 21 रुपये है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। आगे क्वेश्चन है मैम प्लीज़ बता दीजिए, ट्रिक नहीं पता है। ट्रिक अनु मैम अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक मैं वीडियो सिर्फ ट्रिक्स की, जितनी भी ट्रिक हैं अभी तो ओवरऑल मैंने आपको 7-8 बता रखी है, उनकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट है 125 का सेट नहीं भी लगवाए मैम। मैम जो आपको कैप्सूल वीडियोज मिल रही हैं उसमें एक दिन में आपको 3 वीडियोस मिलती हैं जिसमें आपका टोटल 125 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो उनको मैं एक साथ एज अ बर्डन ना देकर शॉर्ट्स में दे रही हूँ, जिससे कि आप जब टाइम मिले उनको छोटी आप 12-15 मिनट की वीडियोस को फटाफट देख लें और सॉल्व कर लें। एक साथ करेंगे तो बहुत बर्डन होगा, इफ़ यू हैव टाइम तो आप एक साथ तीनों वीडियोस को लेकर बैठ जाइए, उसको कर लीजिए, वो भी बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काशमा मैम का, TAB का टीका टाइफाइड के लिए नहीं टिटनेस के लिए लगाया जाता है, तो मैम यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूँ मैं, TAB का जो टीका है वो टाइफाइड के लिए लगाया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड पैराटाइफाइड A&B वैक्सीन, तो ये टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। टिटनेस की अगर आप बात करें तो टिटनेस के लिए आपका DTaP, TDAP, DT और TD का टीका लगाया जाता है। DTaP जो है वो 7 साल तक के बच्चों के लिए लगता है और DT 7 साल तक के बच्चों के लिए लगता है, और जो TDAP है
और टीडी है ये 7+ ईयर्स और वयस्क लोगों के लिए लगाया जाता है। ठीक है, आगे जो मैम ने 99 वाला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें आपका अतिसार में किस तरीके का भोजन देना चाहिए, तो मैंने उसमें आपको बता दिया था कि आपको उच्च रेशे वाला लेना है डाइट, तो वो नहीं लिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको आपको जो क्वेश्चन है इसका आंसर बता देती हूँ कि इसमें आपको तरल और लिक्विड डाइट लेनी है, नॉर्मल डाइट लेनी है, कम मिर्च मसाले लेने हैं, वो आपका अतिसार में करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 का 90 सही होगा। जी मैम आपने करेक्ट सॉल्व किया है, जब हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उसका आंसर 90 आएगा। 150 का 60% कितना होगा, तो 90 होगा। अंशु मैम आपका आंसर करेक्ट है। जगजीत जी पूछ रहे हैं 43 का आंसर बता दीजिए। मैम हमने क्लास नहीं ली थी। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सनलाइट परितंत्र हमारा एनवायरमेंट प्राथमिक उसका जो प्राथमिक स्रोत क्या होगा, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, उसके द्वारा सबसे पहले ऊर्जा मिलती है, वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। हिना भाटी जी कह रही हैं आई थिंक मैम इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैम पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार चेक कीजिए, आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर सिर्फ डिफिकल्ट नहीं आता है, उसमें हर एक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर होल कॉन्सेप्ट होल पेपर, तो एक सिर्फ डिफिकल्ट की तरफ जाते जाते कहीं हम इजी क्वेश्चंस को ना छोड़ दें, दैट इज माय मोटिव। ओके, और आगे जो आपका टाइफाइड वैक्सीन है उसमें कुछ और भी वैक्सीन आपकी उपलब्ध हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी हैं, अदरवाइज जो आपका टाइफाइड है उसमें आपका TAB का टीका लगाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी, जितने भी अभी तक डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। 15 के बाद आगे भी जब आपके वीडियोस अपलोड होंगी उनमें जो भी डाउट्स होंगे उनको भी हम आगे क्लियर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।